अगर हम इंसेंटिव कम दें तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो सेल्स के लोग हैं वो अपनी जो एफर्ट है उसको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि उनको फिक्स सैलरी तो मिली जानी है एट द एंड ऑफ द मंथ लेकिन अगर हम एक उनको फिक्स सैलरी दें और उसके बाद पर यूनिट बेसिस के ऊपर उनको कमीशन या इंसेंटिव दें तो उससे क्या होता है कि हर एडिशनल सेल्स के ऊपर सेल्स फोर्स को कुछ बेनिफिट मिलता है और उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए सेल्स फोर्स ज्यादा मेहनत करती है और अपनी जो एफर्ट है उसको कस्टमर टू कस्टमर कस्टमाइज करती है कि जिस कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस कस्टमर को ज्यादा टाइम दिया जाए अगर उसको किसी स्पेशल फीचर की जरूरत है अगर उसकी नीड कुछ इस तरह की है कि प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस लेकर आना है तो वो उस डिफरेंस को लेकर आए और प्रोडक्ट को कस्टमाइज करें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो अगर आपका इंसेंटिव सिस्टम ऐसा हो कि जिसके बीच में रिस्क जो है इंसेंटिव प्लान का वो ना हो तो उसके नतीजे में क्या होगा कि सेल्स फोर्स फिर कस्टमाइज नहीं करेगी अपनी एफर्ट को उसके बाद हम देखते हैं कि सेल्स मैनेजर उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं टाइम को एलोकेट करने में सबसे पहली प्रॉब्लम जो सेल्स मैनेजर की वजह से आ सकती है कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस को मैयर करता है अगर सेल्स मैनेजर मैयर करें अपनी सेल्स टीम को सिर्फ नंबर ऑफ कॉल्स से हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉल्स आर बीइंग मेड इसके साथ अगर मैयर करें तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा सेल्स पीपल विल स्पेंड टू मच टाइम विद फ्रेंडली कस्टमर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ पोटेंशियल यानी हो ये रहा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द कस्टमर जो फ्रेंडली कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा कॉल्स की जाएंगी उन पर ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाएगा तो इसलिए सिर्फ एक सिंगल मैयर सेल्स कॉल्स नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स नहीं होना चाहिए बल्कि उसके साथ और भी फैक्टर्स को लिंक किया जाता है जिसको हम इंशाला आगे चलकर देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सेल्स मैनेजर्स लेफ्ट अलोन टू डिसाइड व्हाट टू डू यानी कि सेल्स मैनेजर्स सेल्स टीम को अकेला छोड़ देते हैं कि आप खुद ही डिसाइड करें किस कस्टमर को कब विजिट करना है और कितना विजिट करना है इसमें अब क्या प्रॉब्लम होगा इसमें प्रॉब्लम यह हो जाएगा कि सेल्स टीम की जो परफॉर्मेंस है या सेल्स फोर्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी उसमें एक जैसी प्रिसीजन नहीं होगी इस प्रिसीजन के ना होने की वजह से क्या होगा कि किसी कस्टमर को ज्यादा अच्छी क्वालिटी की सेल्स की जा रही होगी और किसी कस्टमर को जो सेल्स की जा रही होगी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उसके बाद हमने बात की कि सेल्स पर्सन का अपना प्रॉब्लम हो सकता है उसकी स्किल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि सेल्स पर्सन का क्या इशू हो सकता है सबसे पहले सेल्स पीपल कैन हैव डिफिकल्टी हैंडलिंग रिजेक्शन एंड कस्टमर ऑब्जेक्शन यानी ऐसी सिचुएशन में कि जब सेल्स के लोगों को प्रॉब्लम हो कस्टमर की ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की एक ये प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है रिजेक्शन की कि अगर मैंने सेल्स नहीं की अगर मुझे कस्टमर ने मना कर दिया कि जी मैंने ये प्रोडक्ट आपकी नहीं खरीदनी तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकते तो ऐसी सूरत में क्या होता है दैट सेल्स पीपल विल शाई अवे फ्रॉम डिफिकल्ट अकाउंट्स कि सेल्स पीपल डिफिकल्ट अकाउंट्स को हैंडल नहीं करते उनको इग्नोर कर देते हैं शाय अवे का मतलब है कि उनको वो कतराते हैं उनको अटेंड करने से कतराते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सवाल पूछेंगे ये क्वेश्चंस करेंगे और हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी हो जो प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के फीचर्स और उसके बेनिफिट्स का आपको अच्छी तरह से इल्म हो कि वो क्या हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है सेल्स पीपल आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस टू वर्ड मेकिंग कोटा इसका मतलब क्या है आइए पहले इसको समझते हैं देखिए किसी भी सेल्स पर्सन को महीने का एक टारगेट असाइन किया जाता है या जिसे हम कोटा भी कहते हैं एक कस्टमर उसने हंड्रेड अकाउंट्स को सेल करनी है या हंड्रेड कस्टमर्स को उसने सेल करनी है या इन अदर वर्ड्स हंड्रेड यूनिट्स सेल करने हैं अब ये जो हंड्रेड यूनिट्स उसने सेल करने हैं उसको किस रफ्तार से वो अचीव कर रहा है ये भी हो सकता है कि वो सत्तर कस्टमर्स को या सत्तर यूनिट्स को बिगिनिंग में ही सेल कर दे अर्ली सेल कर दे या ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन के साथ चल रहा हो पहले दस दिन में उसने पैंतीस कस्टमर्स को या पैंतीस यूनिट्स को सेल कर दिया अगले दस दिनों में फिर उसने तीस या पैंतीस यूनिट्स सेल कर दिए और फिर आखिरी दस दिनों के लिए उसके पास बाकी के थर्टी यूनिट्स जो है वो सेल करने हैं उसको तो ऐसा जो सेल्स पर्सन है वो क्या कर रहा है कि वो एक स्टडी रफ्तार के साथ अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है टारगेट अचीवमेंट की वो बड़ी परफेक्ट है और इसके अगेंस्ट ये भी हो सकता है कि सेल्स पर्सन अपने टारगेट्स का 70 परसेंट पहले दस दिन में पूरा कर ले या ये हो सकता है कि वो अपने टारगेट्स का 90 परसेंट जो है वह पहले दो क्वार्टर्स में पहले दो पहले बीस दिनों में अचीव कर ले नाइन्टी परसेंट तो आखिर के दस दिनों में उसको सिर्फ टेन परसेंट अचीव करना है तो ऐसी सूरत में जब हम ये कहते हैं कि ए सेल्स पर्सन इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस टूवर्ड्स मेकिंग हिज कोटा तो इसका मतलब यह है कि वो डेली टारगेट से कुछ ऊपर जा रहा है और ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन है कि आखिरी दस दिनों में उसका सिर्फ दस या पंद्रह परसेंट टारगेट रह गया तो अब ऐसी सिचुएशन में सेल्स पर्सन क्या करेगा आइए देखते हैं सेल्स पर्सन इज लाइकली टू सीक द हाई प्रोबेबिलिटी लो वॉल्यूम अकाउंट्स इसका क्या मतलब है तो वो ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करेगा जिनकी क्लोयर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लेकिन उनका वॉल्यूम पोटेंशियल कम है क्या वजह है उसकी उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी बहुत क्लोज पहुंच चुका है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और दिन अभी काफी ज्यादा पड़े हुए इसलिए वो क्या करेगा कि हाई प्रोबेबिलिटी अकाउंट्स को देखेगा कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्लोजर ज्यादा हो लेकिन उनका वॉल्यूम कम हो ताकि वो थोड़ा 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 काम करता रहे और महीने के आखिर तक वो अपना टारगेट अचीव कर ले प्रॉब्लम यहां पर क्या होगी प्रॉब्लम ये होगी कि ऐसे अकाउंट्स जिनकी हाई वॉल्यूम है और उनकी क्लोजर प्रोबेबिलिटी कम है उनके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हालांकि करनी चाहिए अगर मेहनत करेंगे तो वो आपके क्वालिफाइड अकाउंट्स बन जाएंगे और क्वालिफाइड अकाउंट्स को अगर आप ऊपर मेहनत करेंगे तो आपके बेस्ट फ्यू अकाउंट्स बन जाएंगे लेकिन क्योंकि सेल्स पर्सन अपने टारगेट के काफी करीब पहुंच गया हुआ है इसलिए वो रिलैक्स कर जाएगा और रिलैक्स होने की वजह से वो अपनी मेहनत को कम कर देगा इसको मॉनिटर करने के लिए भी सेल्स मैनेजर को लाजमी चाहिए कि वो प्रोग्रेस को मॉनिटर करे कि हर सेल्स पर्सन अपने टारगेट्स के अगेंस्ट कहां पर जा रहा है आइए अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकता है सेल्स पर्सन हु हैव मेड कोटा रिलेटिवली अर्ली इन द पीरियड अब ये इसका ऑपोजिट है जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया उसका ऑपोजिट है कि सेल्स कोटा अर्ली पीरियड में यानी कि पहले दस दिन में सेवेंटी परसेंट सेल्स अचीव कर लिए अब अब क्या प्रॉब्लम होगा अब यह प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आइए देखते हैं इसमें क्या होगा सेल्स पर्सन सीक लो प्रोबेबिलिटी हाई वॉल्यूम अकाउंट्स यानी अब वो हाई वॉल्यूम अकाउंट्स को देख रहा है जिनकी क्लोयर प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि उसको पता है कि क्लोजर प्रोबेबिलिटी कम है हाई वॉल्यूम अगर एक भी हो गया फॉर एग्जाम्पल तो उसके तो टारगेट्स पूरे हो जाएंगे और फिर सारा बाकी का महीना वो आराम से रिलैक्स करेगा तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें ये चाहिए एज सेल्स मैनेजर्स कि हम ये देखें कि सेल्स फोर्स किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव कर रही है इन अदर वर्ड्स सेल्स मैनेजर्स को बहुत ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए और सेल्स फोर्स को एक डायरेक्शन देते रहना चाहिए टारगेट्स को भी आप रिव्यू कर सकते हैं उन टारगेट्स को रिव्यू करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं हो सकता है कि कुछ एरियाज में या कुछ कस्टमर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही हो वहां पर आप उस सेल्स पर्सन को एंगेज कर सकते हैं जिसकी सेलिंग स्किल्स ज्यादा बेहतर हो और वो अपने टारगेट्स को भी अचीव कर रहा हो इन ए प्रॉपर टाइम एंड इन प्रॉपर मैनर उसको आप एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर लॉग इन कर सकते हैं उसको वो टास्क दे सकते हैं करने के लिए कहने का मतलब ये है कि जब ऑन ग्राउंड सेलिंग हो रही होती है तो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी कम हो रही होती है उस सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सेल्स मैनेजर का यह काम होता है कि वो अपनी टीम को भी मॉनिटर करें और इन एरियाज को भी आइडेंटिफाई करे कि कहां पर टाइम जाया हो रहा है और किस तरीके से सेलिंग एफर्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से एलोकेट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन पर गैप्स मौजूद हैं अब हमने यह देख लिया कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से सेल्स पर्सन अपना टाइम किन किन एक्टिविटीज में स्पेंड करता है जो कि हमने कहा पाँच हैं फेस टू फेस सेलिंग टेलीफोन सेलिंग और सेलिंग ओवर द फोन कॉलिंग फॉर द सर्विसिंग ऑफ द कस्टमर्स फिर उसके बाद वेटिंग एंड ट्रैवलिंग और फिर फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उसके बाद हमने ये देखा कि किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं टाइम एलोकेशन में यानी कि जो आप टाइम अपना कस्टमर्स को एलोकेट कर रहे हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डिफरेंट बाइसेज़ की वजह से और तो हमने कहा कि चार तरह के बाइसेज हो सकते हैं कस्टमर्स की वजह से हो सकते हैं फिर हमने ये कहा कि कंपनी की वजह से हो सकते हैं फिर हमने ये कहा कि सेल्स मैनेजर की वजह से हो सकते हैं और फाइनली हमने ये कहा कि सेल्स पर्सन की अपनी वजह से हो सकते हैं जब हमने बात की कि कस्टमर की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो हमने ये कहा कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं लेकिन उनका पोटेंशल कम होता है इस वजह से कस्टमर्स जो हैं उनके साथ टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं फिर हमने ये कहा कि कस्टमर्स बाज़ात ऐसे होते हैं उनकी नीड्स कॉम्प्लेक्स होती हैं सेल्स पर्सन उनको अपने ओन उन पर हैंडल नहीं कर सकता तो ऐसी सिचुएशन में सेल्स पर्सन या सेल्स फोर्स में ये ट्रेंड देखा गया है कि वो उन कस्टमर्स को अवॉइड करते हैं बजाय इसके कि सेल्स मैनेजर से हेल्प लें या किसी टेक्निकल स्टाफ से हेल्प लें वो उसको अवॉइड कर जाते हैं कंपनी की प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया तो कंपनी की प्रॉब्लम्स के हवाले से हमने ये बात की कि कंपनी को अगर अपनी टेरिटरी का अच्छा नॉलेज नहीं है अपने कस्टमर्स का अगर अच्छा नॉलेज नहीं है तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि कस्टमर्स जो हैं वो उन कस्टमर्स के ऊपर सिर्फ फोकस किया जा रहा है जिनका के पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है और एरिए में कवरेज कम हो गई है उसके अलावा अगर हमें कस्टमर्स के पोटेंशियल का पूरी टेरिटरी के अंदर जो हैं उनके पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है कि हम सिर्फ हाई प्रॉफिटेबल अकाउंट्स या हाई वॉल्यूम अकाउंट्स उनको फोकस कर रहे हैं और बाकी अकाउंट्स को हम फोकस नहीं कर रहे और कंपनी के पास कोई मैयर भी नहीं है कि इस चीज को वो करेक्ट कर सके अनलेस कि वो अपनी नॉलेज को बेहतर करे कस्टमर्स के पोटेंशियल के बारे में और फिर हमने ये बात की कि इंसेंटिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है आपका जो सैलरी या कंपनसेशन सिस्टम है हो सकता है उसके बीच में आपने सिर्फ सैलरी को रखा हो उसकी वजह से फिर कस्टमाइज नहीं करेगी सेल्स फोर्स अपनी एफर्ट को सेल्स कस्टमर्स uh, की नीड्स के हिसाब से फिर हमने सेल्स मैनेजर्स के हवाले से बात की कि बाद सिंगल फैक्टर जैसे कि नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स हैं उनको लेकर सेल्स टीम की परफॉर्मेंस मैयर करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि सेल्स पर्सन या सेल्स फोर्स जो है वो इजी कस्टमर्स फ्रेंडली कस्टमर्स उनके ऊपर अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करेगी और कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्स फोर्स को अपने ओन पर छोड़ देते हैं कि आपने जो डिसीजन लेना है खुद ही डिसीजन ले तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी सेल्स कॉल की क्वालिटी में तो ये प्रॉब्लम है और सेल्स पर्सन के हवाले से हमने देखा कि जब सेल्स पर्सन की अपनी स्किल्स के प्रॉब्लम होते हैं तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसको वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती तो वो कस्टमर्स को जो डिफिकल्ट कस्टमर्स हैं जो ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उनको अवॉइड करेगा अगर वो रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकता रिजेक्शन से मुराद जैसे मैंने पहले भी बताया ये होती है कि सेल्स uh, पर्सन को अगर मना कर दिया जाए सेल्स से कि जी हमें आपकी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है या वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करता तो ये uh, एक प्रॉब्लम हो सकता है फिर उसके बाद हमने दो तरह की सिचुएशंस डिस्कस की कि सेल्स पर्सन जो है या तो वो अपना कोटा जो है वो अचीव कर रहा है और उससे उस थोड़ा सा वो ऊपर चल रहा है तो उस सूरत में क्या हो रहा है कि वो लो वॉल्यूम हाई प्रोबेबिलिटी अकाउंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है और जहां पर वो अर्ली इन द पीरियड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर और इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर वो अपना उस पीरियड का टारगेट जल्दी पूरा कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा कि वो हाई वॉल्यूम लो प्रोबेबिलिटी अकाउंट्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देगा इसकी वजह से भी मिस ऑफ एफर्ट टाइम एंड एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट वो uh, होना शुरू हो जाएगा तो हमने साथ के साथ ये भी देखा कि हर सिचुएशन में सेल्स मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सेल्स टीम को गाइड करे और वो सिचुएशन को मॉनिटर करता रहे हर वक्त वो ये देखता रहे कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है इन दो चीजों को डिस्कस करने के बाद अब हम अपनी अटेंशन को फोकस करेंगे टाइम मैनेजमेंट ग्रिड के ऊपर इस टाइम मैनेजमेंट ग्रिड की वजह से हम ये एनालिसिस कर सकेंगे कि किस सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से दो चीजें हो सकती हैं कोई भी एक्टिविटी या तो वो इंपॉर्टेंट होगी या वो अर्जेंट होगी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इंपॉर्टेंट चीज वो होती है जिसको अगर हम नहीं करेंगे तो उसको ना करने की वजह से हमें कोई ना कोई नुकसान होगा लेकिन शायद वो नुकसान फौरन ना हो कुछ देर के बाद हो यानी कि ये वो चीज है जो अहम है इसको करना जरूरी है दूसरी चीज अर्जेंसी कि ये जो चीज इंपॉर्टेंट थी या इंपॉर्टेंट नहीं थी क्या ये अर्जेंट है यानी कि इसको कितनी जल्दी करना चाहिए इसको कितनी विजिलेंस के साथ अटेंड करना चाहिए इस इशू को तो किसी भी सिचुएशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी एज वेल एज इंपॉर्टेंस और इस बेसिस के ऊपर चार तरह की एक्टिविटीज हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी एक्टिविटी या तो इम्पॉर्टेंट होगी या इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो हम कहेंगे कि इट इज आइदर इम्पॉर्टेंट और इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दूसरी वही एक्टिविटी या तो वो अर्जेंट है या इट इज नॉट अर्जेंट तो इस बुनियाद पर किसी भी एक्टिविटी को हम चार तरह की एक्टिविटीज में क्लासीफाई कर सकते हैं आइए देखते हैं कि ये चार एक्टिविटीज किस तरह से क्लासीफाई होती हैं एक्स एक्सिस पे हम अर्जेंसी ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम इंपॉर्टेंसी ले लेते हैं अब इस बेसिस पे हमारे पास चार तरह के सेल्स बन जाते हैं सेल नंबर वन इज इंपॉर्टेंस इज हाई एज वेल एज अर्जेंसी इज हाई सो दिस एक्टिविटी इज हाईली इम्पॉर्टेंट एंड हाईली अर्जेंट इस एक्टिविटी को हम कहेंगे एमरजेंसी एट दिस इज एन एमरजेंसी इम्पॉर्टेंस भी ज्यादा है और अर्जेंसी भी ज्यादा है इस एक्टिविटी को आप डिले नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि इसको मैं थोड़ी देर के बाद अटेंड करूंगा बिकॉज इट इज एन एमरजेंसी सिचुएशन इसको डिले करने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उसके बाद दूसरा जो हमारे पास क्वाड्रेंट है इसको हम कहते हैं ये वो क्वाड्रेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी अर्जेंसी लो है यानी ये इस वक्त अर्जेंट नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ पर्सनल ग्रोथ कैसे ऑफ़ पर्सनल ग्रोथ है इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है अगर वो मास्टर्स करना चाहता है तो ये उसके लिए बहुत अहम है लेकिन इस वक्त वो अर्जेंट नहीं है इस वक्त शायद वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन के वक्त में मास्टर्स की डिग्री हासिल करना अर्जेंट नहीं है लेकिन उसके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इस ऑब्जेक्टिव को या इस एक्टिविटी को हम कहेंगे एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू पर्सनल ग्रोथ उसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास इसको हम कहते हैं ये वो क्वाड्रेंट है जहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंस लो है लेकिन अर्जेंसी ज्यादा है ये एक्टिविटी कहलाती है टाइम वेस्टर टाइम वेस्टर यहां पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अर्जेंट है फॉरन लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है अब ऐसी चीज जो आपकी अर्जेंट अटेंशन मांग रही है आपको इनवाइट कर रही है कि जी मुझे अटेंड करें फौरी तौर पर वो यकीनन अर्जेंट है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं है आपके लिए ऐसी सारी एक्टिविटीज टाइम वेस्टर्स कहलाती हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं टेलीफोन कॉल अब टेलीफोन कॉल अर्जेंट है अब टेलीफोन आपका रिंग कर रहा है इट इज अर्जेंट बट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज यू डोंट नो अगर आप उस कॉल को जब तक सुनेंगे नहीं उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट थी या अनइम्पॉर्टेंट थी इसी तरह से अगर कोई विजिटर आ जाता है आपके पास नाउ विजिटर इज नोकिंग नॉकिंग ऑन योर डोर अर्जेंट है यू हैव टू अटेंड यू हैव टू लिसन यू हैव टू सी हु इज देयर बट वेदर दैट विजिटर इज इंपॉर्टेंट और नॉट ये उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा इसलिए इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं ये आगे हम डिटेल में देखते हैं कि टाइम वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं ये एक्टिविटीज टाइम को वेस्ट करती हैं और फाइनली जो फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पर इंपॉर्टेंस भी लो है और अर्जेंसी भी लो है ऐसी एक्टिविटीज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के बारे में ये जरूर याद रहे कि ये आज हो सकता है आपके लिए ना इंपॉर्टेंट हो ना अर्जेंट हो लेकिन अगर इनको आप बहुत देर तक डिले करते रहेंगे बहुत देर तक डिले करते रहेंगे तो ये भी आपके लिए अर्जेंट या इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। इसलिए हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी कोई ना कोई टाइम जरूर रखना चाहिए अब अगर आप लेट से अब इनका जो एक्सेसिव यूज है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का उससे नुकसान होता है मिसाल के तौर पे वाचिंग टेलीविजन आप ना आप वो इतना इम्पोर्टेंट है ना वो इतना अर्जेंट है लेकिन आप दो दो घंटे तीन तीन घंटे चा चार चार घंटे टेलीविजन के ऊपर ही बैठे हुए प्रोग्राम्स ही देख रहे हैं चैनल सर्फिंग कर रहे हैं अब ये चैनल सर्फिंग इज प्योरली ए वेस्टेज ऑफ टाइम लेकिन अगर आप टीवी देखें ही ना देखें ही ना कोई मूवी या कोई इस तरह की एंटरटेनमेंट आप देखें ही ना तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा कि एक टाइम आएगा कि आप तंग पड़ जाएंगे अपने काम से अपने काम की रूटीन से अपनी एक्टिविटीज से इन सब से आप तंग पड़ जाएंगे तो किसी भी एक्टिविटी को हम इन चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं एमरजेंसीज, एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्सनल ग्रोथ टाइम वेस्टर्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कामयाब होने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज को प्लान करें इनको प्रायोरिटाइज करें टाइम वेस्टर्स को हम अवॉइड करें हम ये जजमेंट कॉल दें कि ये जो इस वक्त एक्टिविटी है अगर ये टाइम वेस्टर है तो किस तरह से अपने आप को इससे डिटैच किया जाए या किस तरह से इनको अवॉइड किया जाए जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं उनको भी हमने बैलेंस करके चलना है ताकि हमारी जिंदगी में एक सॉफ्ट फ्लेवर भी रहे और उसके साथ साथ हम वहां पे एक्सेसिव टाइम जाया ना कर रहे हो और जहां तक एमरजेंसीज का सवाल है इनको प्लान करने की जरूरत नहीं होती एमरजेंसीज खुद ब खुद अपने लिए टाइम ले लेती हैं एमरजेंसीज में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप उसको इग्नोर कर सकें तो वह आपसे टाइम ले लेती है लेकिन सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन को क्वाड्रेंट टू में स्पेंड करें यानी कि हर चीज को प्रायोरिटाइज करें और उसको राइट right टाइम पर मैनेज करें ताकि वो कभी एमरजेंसी ना बने एमरजेंसी एक्टिविटीज तब बनती हैं जब आप उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते जब आप उनको लिंगर ऑन करते जाते हैं जब आप उनको जो कहते हैं ना कि आज का काम कल पर ना डालो जब हम आज के काम को कल पर डालते जाते हैं तो उसकी वजह से एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक टाइम पे आके एमरजेंसी बन जाती हैं